Welcome back once again. Today we will discuss about operators in MySQL. तो MySQL के अंदर जो different type के operators होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले हम discuss करते हैं about arithmetic operators. Arithmetic operators का प्रयोग जैसे generally हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए करते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम MySQL में भी इनका प्रयोग करते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, गणना कैसे करते हैं, ये हम आपको बताते हैं. तो चलिए MySQL स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं. देखिए, सेलेक्ट 2+2, सिंपल कैलकुलेशन, 2+2 इज इक्वल टू 4. लाइकवाइज आप अदर ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं. सेलेक्ट 2 × 3, मल्टीप्लिकेशन हो गया. इसी तरीके से डिवीजन भी कर सकते हैं आप, जैसे सिलेक्ट 15/3. ये लीजिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी एक करके देख लीजिए. सेलेक्ट 10-5, एलिजी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं. साथ ही यही कैलकुलेशन MySQL के किसी टेबल में भी आप कर सकते हैं. जैसे देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL. तो इसमें सपोज हम सैलरी के अंदर प्लस करके देखते हैं या एडिशन करके देखते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है. तो सेलेक्ट सेल प्लस 50 फ्रॉम EMPL. अब ये देखिए, जो सैलरी आपका कॉलम है उसमें प्रत्येक में इसमें 50-50 इंक्रीमेंट करके इसने दिखा दिया. ये देखिए, सबके अंदर 50 इंक्रीमेंट हो गया. अब इसी तरीके से अगर इसी पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, तो जैसे मान लो सैलरी का आपने 10% निकालना, तो सिलेक्ट सेल इनटू 0.1 फ्रॉम EMPL. तो इसी तरीके से ये देखिए, सैलरी का 10% ये हमने कैलकुलेट कर लिया. यही कमांड हम अपडेट में भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है. तो कैलकुलेशन इसी प्रकार से इसके अंदर परफॉर्म होती है. तो दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर स्टैंडर्ड SQL कमांड आपने यूज करनी है, तो एक हम डमी टेबल साथ में फ्रॉम ड्यूल भी लिखते हैं. जैसे सिलेक्ट 2 × 2 × 2 फ्रॉम ड्यूल. तो एट ठीक इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, सिलेक्ट 2 × 2 × 2. तो MySQL के अंदर ये दोनों चीजें आपकी एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्टैंडर्ड SQL के अंदर ये ऊपर वाला एक्सेप्टेबल है. तो इसी तरीके से आप बाकी तरह की कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.